नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अमर उजाला की हिंदी है हम अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन सबसे एक एक करके हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ती, यानी भाषा सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ती, बल्कि ये कहीं ना कहीं दूर बैठे लोगों से भी एक अलग संबंध बनवाती है। एक तरीके से कहा जाए तो दिल के साथ साथ जहनी तौर पर भी हम भाषा से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से भाषा के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में हम दूर बैठे यानी सात समंदर पार बैठे उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हिंदी के बारे में, जिन्होंने दूसरे देशों में हिंदी को एक अलग पहचान दिलाई है और हिंदी को बचा कर रखा है, हिंदी की भाषा को बचा कर रखा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम आज भी देख रहे हैं कि हम आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने अपनी मातृभाषा को बोलने में कहीं ना कहीं झिझक महसूस करनी शुरू कर दी है और शायद इसी का परिणाम है कि हम इस तरीके की वेबिनार के जरिए आप सबको आपकी अपनी ही मातृभाषा से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला का ये जो प्रयास है लगातार चल रहा है। हम आपको बता दें, हम विभिन्न माध्यमों से आपके साथ जुड़े रहते हैं, खबरों के जरिए भी और बाकी चीजों के जरिए भी। हम कविताओं के जरिए, लेखन के जरिए, साहित्य के जरिए, हर एक अभियान जो कि हिंदी से जुड़ा हुआ हो हम आपसे हमेशा साझा करने की कोशिश करते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े नवीन कुमार सिंह जी, लेखक हैं, सुभाषिनी लता कुमार हिंदी प्रोफेसर हैं फीजी विश्वविद्यालय की, डॉक्टर पुष्पा भारद्वाज लेखक हैं, रेखा राजवंशी हिंदी प्रोफेसर हैं सिडनी यूनिवर्सिटी की, संतोष कुमार गुप्ता संस्थापक और समन्वयक हैं कैनबरा हिंदी स्कूल के, और आराधना झा श्रीवास्तव स्वतंत्र लेखक हैं और पत्रकार हैं। हम आज इन सब से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम उनसे और उनकी बायोग्राफी से आपको वाकिफ करवाए देते हैं कि आखिरकार वो क्या करते हैं सात समंदर पार बैठकर, और किस तरीके से उन्होंने हिंदी की जो संस्कृति है उसको बचा कर रखी और उस भाषा को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हम भूल गए हैं उसे हमें याद दिलाया जाए। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हिंदी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसमें क्या कुछ और नई चीजें हम सीख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, संभावनाएं क्या है, हम इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ हैं नवीन कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश के वैसे तो चंदौली से हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं पिछले 5 सालों से। काशी की कलम ब्लॉग से इसके जरिए वो हिंदी और कोरियन संस्कृतियों के बीच की कड़ी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पल्लवी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सारे वक्ता हमारे जितने भी हैं ये पहले बताएं कि ये अपने देश में किस तरह से हिंदी में काम कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि हिंदी में वो क्या कर रहे हैं। शुरुआत इससे करें, क्योंकि इस तरह की जो विमर्श है हिंदी पर ये बहुत समय से होता रहा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से हिंदी को वहां आगे बढ़ा रहे हैं, और आप किस तरह से लोग हिंदी के प्रति, विदेशी लोग किस तरह से उसे जुड़ रहे हैं, और वो उनका अनुभव क्या है। इस पर अगर हमारी बातचीत का वो रहेगा तो हमें लगता है हमारे दर्शकों को कुछ नई बातें मालूम चलेंगी जो बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा कार्यक्रम है वो पूरे 1 घंटे का है। लेकिन उससे पहले जो शुरुआत इससे होनी चाहिए कि हमारे जो अतिथि हैं, वक्ता हैं, वो वहां कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि तभी हम उनसे एसोसिएट कर पाएंगे बातचीत में। जी 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 बिल्कुल जी। नवीन जी, चूंकि आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, दक्षिण कोरिया में रहते हैं, एक सवाल जो जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, हिंदी वहां पर सबसे पहले कि किस तरीके से आप वहां पर हिंदी का प्रसार कर रहे हैं, क्या लोगों से बातचीत करते हैं हिंदी में आप, या किसी को आप हिंदी बोलने की ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कि हिंदी भी एक भाषा है, आप उसे सीखिए। क्योंकि हम जब दूसरे कंट्री की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरे देश की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे देश के लोगों को भी हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करना चाहूंगा, और आपने जो यह सवाल पूछा है, तो मुझे यहाँ दक्षिण कोरिया में 5 साल हो चुके हैं, और मैं वहां से बात शुरू करना चाहूंगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो
दक्षिण कोरिया ऐसा देश है जहाँ पे लोग अंग्रेजी में तंग हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें तंग है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन कोई भी भाषा का माध्यम नहीं है जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, एक ही विकल्प था कि मैं कोरियन भाषा सीखूं, लेकिन एक दिन का काम नहीं है एकदम नई भाषा सीखना। तो उस दौरान जैसे आप अगर किसी गांव में हैं, घूम रहे हैं अपने ही गांव में, आपका घर का कोई आदमी मिल जाए, या आप किसी शहर में हैं और आपके गांव का आदमी मिल जाए, तो जो भावना आती है, या किसी दूसरे राज्य में है आपके जो है शहर का आदमी मिल जाए, तो आप कोरिया में हैं, विदेश में हैं, आपको भारत का आदमी मिल जाए, तो उस समय आदमी नहीं पूछता है कि आर यू तमिलियन, आप तमिल के हैं, आप कन्नाडा से हैं, कर्नाटक से हैं। तो उस समय आदमी ये सोचता है कि अरे ये तो भारत के हैं। तो ऐसे में जैसे कान पक गए हैं कोरियन सुनते सुनते सुनते, तो उसमें एक कोरियन आदमी मुझे मिलते हैं जो मुझे नमस्ते करते हैं। तो ये दम भरता है कि हाँ, अपने देश की पहचान पूरे विश्व में है, नमस्ते ही सही लेकिन है। तो ऐसे में वो भाव मिलता है जो विदेश में किसी आदमी के साथ जुड़ने पे मिलता है, भारतीय के साथ। तो हमारी जो यात्रा है वहां से शुरू हुई, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ इंटरमीडिएट तक। मेरा शौक रहा है कि अपनी भाषा, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना। तो यहाँ चूंकि मुझे सर्वाइव करना था, तो मैंने इनकी भाषा सीखी। अगर आप कहीं जाते हैं तो सबसे आप माइक माइक थोड़ा अगर करीब कर लीजिए, आप नवीन जी माइक थोड़ा करीब कर लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे बड़ा जो काम हो सकता है, जो कि अंग्रेजी भाषी देश नहीं है, तो सबसे बड़ा काम हो सकता है कि हम उनकी संस्कृति को समझें। बिना सम्मान के हमें सम्मान नहीं मिल सकता है, ये तो बात तय है। और हिंदी की जो संस्कृति है, हिंदी की जो संस्कृति है, वो सम्मान देने की संस्कृति है। तो इस पहल में मैंने सबसे पहले यहाँ की भाषा सीखी। तो भाषा एक स्तर पे आ गई, तो फिर मैं यहाँ के लिटरेचर में जो साहित्य है, कोरियन साहित्य में मेरी अभिरुचि हुई। तो कोरियन साहित्य में एक नॉवेल एक दिन मुझे मिला, तो उस नॉवेल का विषय जो था वो ऐसे जैसे भारत का सास भी कभी बहू थी। तो उसको पढ़ते पढ़ते जब मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो एक ब्लॉग बनाया, और जब मैंने अनुवाद शुरू किया तो मैं देखा अपने देश में काफी उसकी सराहना हुई कि हम जो है कोरिया को भी जान पा रहे हैं, साथ में ही अपने जो दूसरे कलीग हैं उनसे बात भी चर्चा करते समय मैंने कहा कि अरे ये आपके यहाँ बहुओं का ऐसे सम्मान होता है या बेटियों का सम्मान ऐसे होता है, ये तो हमारी भी जो संस्कृति है बहुत मिलती जुलती है। तो ऐसे ऐसे उनको अपनी बातों को भी बताना है। तो अब एक अगला लेवल, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम कोरियन सीख गए हैं, तो अपना ही नहीं अपनी संस्कृति का भी अगर हमको बताना है। ये भी एशिया का ही देश है और हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश रहा है, और लगभग 30-35 साल पहले यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ है बहुत तेजी से, जब लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। तो उससे पहले ये वही था, जैसे गांव में किसी के पास नमक कम है तो पड़ोसी से मांग लिया, आज वो खत्म हो गया है। तो हमारे यहाँ बगल में एक आंटी जी हैं, वो खेती ही करती हैं, तो हमने ऐसा रिलेशन बनाया है अपनी भाषा के आदान प्रदान के माध्यम से ही कि वो जब भी खेती से कुछ होता है तो दे जाती हैं। तो एक दिन ऐसे ही ऐसे वाकया हुआ कि एक दिन मिर्च लेके आई, तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश या उस एरिया से होंगे तो हरी मिर्च का आदान प्रदान हम नहीं करते हैं। तो उससे हम मानते हैं कि हरी मिर्च अगर आप लेते हैं तो संबंध आपके तीखे हो जाएंगे। तो बड़ी मुझे दुविधा हुई, अगर हम नहीं लेंगे, अगर उनसे मिर्च नहीं लेते हैं तो बुरा ही मान जाएंगे। तो उनको हमने 5 मिनट समझाया। यहाँ पे बहुत पाली पाली संस्कृति बोलते हैं, मतलब वेरी फास्ट, आपको 1 मिनट का महत्व यहाँ पता चलेगा। अगर मैं बोल दिया कि 5:30 पे आया मुझे ज्वाइन करना है, तो उस समय मुझे आना ही है। तो मैंने उनको समझाया, इसी भाषा के माध्यम से ही मैंने उनको अपनी संस्कृति बताने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे संबंधों में खटास होती है, तो आप मिर्च हाथ में ना दीजिए। तो लेके जाने लगी, मैंने कहा कि दीजिए मगर हाथ में ना दीजिए। तो वो जो है द्वार पे एक बर्तन में
मैंने उनको दिया और रख के चली गई। तो ये जो हिंदी का प्रयास है, हिंदी भाषा ही नहीं, नमस्ते मात्र नहीं है, जो संस्कृति है। संस्कृति मतलब यही है कि हम जो मेल जोल हैं एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। तो हमने इस दिशा में प्रयास किया कि इनकी भाषा सीखिए, खासतौर से जो लोग जैसे कोई जापान में है या कोई चाइना में है, तो उनकी भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब उनको जानेंगे तभी आप उनको जानने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये तो हमारे ही बीच के हैं, तभी आप अपने संस्कृति, संस्कार और भाषा का मेल जोल बैठा पाएंगे और वहां जम सकते हैं तभी। तो ये छोटा सा प्रयास है। और कुछ और भी हुआ ब्लॉग के माध्यम से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग हैं जिनको कोरियन तुरंत तो सीख नहीं सकते हैं, तो एक बहुत ही फेमस सैमसंग के पूर्व चेयरमैन का खत हुआ था, वो मरने से पहले लिखे थे, स्वास्थ्य से संबंधित था उनका, कि मतलब स्वास्थ्य ही सब कुछ है और पैसा रुपया कुछ नहीं है। तो उसको मैंने कोरियन से हिंदी में अनुवाद किया और उसका मैंने देखा कि उस पत्र को भारत में, दक्षिण कोरिया में, अमेरिका में और विश्व के तमाम जगहों पे बहुत ही सराहा गया। तो उससे उत्साह बढ़ता गया हिंदी के प्रति। अभी तो जैसे चैनल भी है और यह जो लगाव है हिंदी का, इतना मैं उसका उसमें मैं कोई PhD या ऐसे महारत तो हासिल नहीं है, लेकिन एक शौक बस, अभी हिंदी की कहानियां लिखते लिखते लोगों ने सराहा तो एक पुस्तक भी प्रकाशित हो गई, भारतीय ज्ञानपीठ से कहानी संग्रह है, और मैंने किंडल पे एक कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित किया। तो ऐसे ये सब प्रयास जारी है। अभी अपने पुराने, जैसे कोरिया में मैं रह रहा हूँ तो यहाँ मैंने देखा कि कोरिया अपने DNA, जो हमारा DNA था, गांव है, आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पे वो गांव आपको ऐसे सुरक्षित मिलेगा, कहीं ना कहीं मॉडल बना के रखे हैं लोग और अपने बच्चों को दिखाते हैं यहाँ पे कि आओ देखो ये हमारा अतीत है, इसको मत भूलो। उसी घर के बगल में, जिस शहर में रहता हूँ उसी घर के बगल में आपको बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग मिलेगी 500 तल्ले, लेकिन वो गांव भी अपना DNA बचा के रखे हैं। तो जहां पे ये चर्चा चल रही है कि हमें अपने DNA को बचाना है, तो उसका यह उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ये जो गांव है, अपनी भाषा है, अपने जो गुणसूत्र हैं, उनको हमें अपने संजोने का प्रयास ऐसे करते रहना है। जी पुष्पा जी, एक सवाल है जिसका मैं एक जवाब जानना चाहूंगी संक्षिप्त में। हिंदी जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं वो अपनी अपनी अलग अलग वजहों से सीख रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले ये भी इस दौरान पता चला कि कुछ लोग बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं इसलिए वो हिंदी सीख रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी मंशा है उस हिसाब से वो हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी को लिखना और पढ़ना भी आना बहुत जरूरी है बोलने के अलावा। हम कई दफे देखते हैं कि हिंदी सब सारे लोग शुद्ध बोल लेते हैं लेकिन जहां बात लिखने की आती है वहां अशुद्धियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी काम करने की जरूरत है। सही कहा आपने। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? सबसे पहले तो मैं पल्लवी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इतना समसामयिक और बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाने के लिए कि मतलब लिखना सबसे पहले आदमी क्या करता है, जो आसान काम रहता है। अब बच्चे से ले लीजिए, बच्चा क्या करता है, पहले बोलना शुरू करता है, फिर माता पिता कहते हैं पढ़ो, पढ़ना शुरू करता है, लेकिन 5 साल 10 साल लग जाते हैं उसको अपने से लिखना कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ। ये लिखने काम सबसे कठिन है जी। और यही जो है वो छूटता चला जाता है। और आप देखें, अगर हम किसी को बोल दें, आज के जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, अगर बोल दीजिए कि एक निबंध लिखिए बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए हुए, तो पेन जो है, कलम जो है, अकड़ जाएगी। उसका कारण यही ना कि हम अभ्यास में नहीं ला रहे हैं उसको, उसका कारण यही है। और यही कारण है, जैसे अभी पुष्पा जी ने कहा कि वो लिपि पे भी ध्यान देने की जरूरत है, हम उसको अक्षरशः अक्षरों को संजोने का काम करना चाहिए हमें, ताकि हमारे अक्षर भी बच्चे, जैसे कौआ का लिखते समय हम पढ़ाते ना अंडा, पहले अंडा डंडा लटकन पटकन, अब कहाँ रह गया वो। ये सब सिखाने की पद्धतियां न तो है न तो हम जरूरत महसूस करवा रहे हैं। तो एक वाकया मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम आजकल कंप्यूटर की दुनिया है और देखिए हिंदी कैसे जो है कंप्यूटर की दुनिया से गायब हो रही है। एक तो जैसे हम व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं तो लिख दिए मैं MAI मैं आ रहा हूँ AARH हूँ, ये हो गया। लेकिन बहुत सारे मोबाइल फोनों में लोगों को पता नहीं होगा कि हिंदी भी भाषा में
उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज। अब दूसरा लैपटॉप पे आ जाइए, तो लैपटॉप में मैं अभी तक, बहुत उम्र तो नहीं हुई है, लेकिन मैं कहीं भी हिंदी का कीबोर्ड नहीं देखा हूँ। अगर कोई देखे हो तो बताइए। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे दक्षिण कोरिया में जब आया, जी आप देखे हैं? बिल्कुल जी, जी। मैं तो काम ही हिंदी कीबोर्ड में करती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन का काम ही अंग्रेजी से हिंदी में। अच्छा, उसमें तो मुझे तो 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए मुझे तो हिंदी में। जी जी, बहुत अच्छा लगा। आप अलग से बात कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कहां से और कैसे मिल सकता है। आराधना और मेरे बीच में हम आपको बता देंगे। जी जी, नहीं, मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा, क्योंकि मेरी जिज्ञासा तब हुई ना, जैसे कि कभी आदमी बाहर जाता है तो देखता है। अब मैं दक्षिण कोरिया में आया तो लैपटॉप जो मुझे मिला, लैपटॉप मिला उसमें कोरियन प्लस इंग्लिश कीबोर्ड में पहले से ही था, तब मुझे लगा कि ये हिंदी में भी हो सकता है। लेकिन ये करने के लिए ना, जैसे एक दिन का काम नहीं है, इसमें पूरा एक भाषा, जो जैसे अभी मैडम जी ने कहा कि वहां पे स्टूडेंट ढूंढने पड़ रहे हैं फिजी में ना, कहीं कहीं लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो वास्तविकता के धरातल की अगर बात करें हम, तो हम जो हिंदी की जो पावर है वो हिंदुस्तान से है। तो अभी जो एक चल रहा है आत्मनिर्भर भारत वाला, तो अगर हम उसमें सफल होते हैं तभी अस्तित्व हिंदी का बच पाएगा। थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन अगर कंट्री स्ट्रांग रहती है तभी उसके संस्कृति। अब अंग्रेजी क्यों फैल गई 200 साल पहले अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि लोग खुद को ताकतवर बनाए। अभी हिंदी हिंदुस्तान की जो कंपनी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, कोरिया में है, तो जहां भी ये जाएंगे तो अपने संस्कृति लेके जाएंगे ना। तो मेरा कहना यही है, लैंड रोवर को जब टाटा ने खरीदा तो वहां पे पूरा हिंदी का बोलबाला हुआ कि चलो हिंदुस्तान की कंपनी है। वहां बहुत सारे मेरे मित्र जो बताते हैं कि वो बहुत ही बिंदास बोलते हैं कि आपने गलत किया, अपने अंग्रेज दोस्तों से ही बोलते हैं आपने गलत किया। तो ये मतलब मैं टाटा के उदाहरण ये देना चाह रहा हूं कि वो पावरफुल बनना पड़ेगा देश को, तभी उसकी संस्कृति, उसकी भाषा रह पाएगी। जी, इस वेबिनार के जरिए हमारी जरूर रहेगी, कम से कम हम साथ मिलाए, वजह से कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि शायद हम हिंदी बोलेंगे तो हमें ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी, अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ज्यादा अहमियत मिलेगी। तो ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम रहा, हम ये आप सब तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं, या अगर आप भारतीय नागरिक नहीं भी हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर किसी भी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं 25 साल 30 साल से, वहां आप चाहें तो वो हिंदी का प्रचार प्रसार खुद से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ इस दौरान जितने भी दिग्गज जुड़े हुए हैं, वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी भाषा को दूसरे देशों में ले जाकर उसका प्रसार प्रचार करें। तो ये वाकई बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लोगों को हिंदी की अहमियत समझाना, लोगों को हिंदी के बारे में बताना। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोग इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें से आज हमारे साथ आराधना जी, रेखा जी, नवीन जी, संतोष जी, पुष्पा जी, सुभाषिनी जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो दिग्गज हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी को वही अहमियत मिले जिसका सपना हर एक भारतीय नागरिक ने देखा है। और अगर हम एक भारतीय होने के नाते हिंदी को स्वीकार करने में पीछे हटेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही भाषा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमसे साझा किया। और हम एक तरीके से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपकी जो बातें हैं आज, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े, ताकि जो जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है वो कम से कम हिंदी की जो अहमियत है उसको समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद।